वो उस्मान की बातों में आकर चला गया। बस करो खातून, हम उसे तलाश कर लेंगे। क्या मैं आ सकता हूँ जनाब? आ जाओ भाई सुंगुर। बताओ क्या हुआ? उस्मान साहब आपके मुंतजर हैं। क्या आपको बायहुजा की कोई खबर मिली? बताइए 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 साउची साहब, इनसे पूछे क्या हुआ है? पूछिए इनसे कि हमारे बेटे की कोई खबर है या नहीं। बताओ मुझे, मुझे बताओ, बाय होजा की कोई खबर है? उसे कुछ हो तो नहीं गया? बस करो लीना, बस करो। मैं समझता हूँ हमें उनकी बात सुन लेनी चाहिए। चलो खेमे चलते हैं। मेरा बेटा बाय हो जा, उस्मान साहब बाय हो जा की कोई खबर है आपके पास? मेरे बेटे को कुछ हो तो नहीं गया? बताइए मेरे बेटे को कुछ हो तो नहीं गया? मेरा बायोजा कैसा है उस्मान साहब? बायोजा सिपाहियों को पीछा करते हुए ना गोलकले पहुंच गया। लोगों ने मेरे बेटे को वहां पर नहीं देखा? उस्मान साहब आप खुलकर बताएं क्या हुआ। हमारे सिपाही गिरफ्तार हो गए थे, उन्हें तो बचा लिया, लेकिन लेकिन और बाय हो जा, क्या आपने उसको वहीं छोड़ दिया उस्मान साहब? अपने बंदों को बचाकर मेरी बेटी की कुर्बानी दे दी। बताइए मुझे क्या आपने उसकी कुर्बानी दे दी? लीना बहुत हो गया। मेरे भाई, मेरा बेटा कहाँ है और किस हाल में बताएं मुझे। निकोला की कैद में है इस वक्त। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। मेरे बेटे को तकलीफ कैसे दी तुमने? मेरे बेटे को तकलीफ कैसे दी तुमने? लीना मुझे बताओ कि मेरे बेटे को कैसे तकलीफ दी उस्मान साहब? लीना बताओ मुझे। भाईजान तुम मेरे जवान बेटे को कैसे तकलीफ दे सकते हो? बताओ मुझे, मेरे बहादुर बेटे को कैसे तकलीफ दी?
तुमने उसे उन कातिलों के हाथ में कैसे छोड़ दिया उस्मान साहब, बताइए मुझे, बताइए मुझे कैसे छोड़ दिया उसे। बायोजा अभी तक जिंदा है, तुम्हें कैसे मालूम है? कैसे मालूम है तुम्हें? वो उस बच्चे को मार नहीं सकते, मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे उसे। और अगर उसे उन्होंने मार दिया तो क्या होगा? अगर उन्होंने मेरे बेटे को मार दिया तो? लीना, वो गाजी बनना चाहता था और गाजी की तकदीर में शहादत है। तुमने मेरे बेटे को किले में तन्हा छोड़कर उसे कत्ल कर दिया उस्मान साहब, और अब उसके बाद तुम मुझे हर रोज मरता देखोगे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें काई सरदार। बस करो, काश तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाता, काश मेरे बेटे की जगह आप वहां कैद होते उस्मान साहब। हुजूर, कल ऐसे पैगाम आए हैं। अगर खलूजा हिसार वापस नहीं किया तो बायोजा को फांसी दे दी जाएगी। अगर मैं अपने भतीजे को बचा ना सका तो मेरा घोड़ा ताबूत होगा, मेरी सरदारी का चोगा मेरा कफन होगा। अगर वादा पूरा ना कर सका, अर्थरुल गाजी का खेमा मेरी कब्र होगी।